तो हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, तो एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं क्या है ये सारा माजरा। तो आप देख सकते हैं, प्रदेश सरकार की ओर से भंग किए जा चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में बीते 3 साल में लगभग 300 परीक्षाएँ हुई हैं। ठीक है, तो HPSSC ने लास्ट जो 3 ईयर है उसमें कितनी परीक्षाएं ली हैं, तो आप कह सकते हैं 3 × 100, लगभग 300 परीक्षाएं ली हैं, है ना। मतलब कि एक साल में 100 परीक्षाएं भी माने तो 300 परीक्षाएं ली हैं, जिसमें से गड़बड़ी की आशंका के चलते हुए विजिलेंस ने इन सभी परीक्षाओं की जांच शुरू कर दी। अब जितनी भी 300 जो आपकी एग्जामिनेशन हुए हैं, परीक्षाएँ हुई हैं, तो इन सबकी अब जाँच स्टार्ट कर दी गई है। आयोग में तैनात रहे 55 अधिकारियों व कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी। आपको मालूम है किस तरह से HPSSC के जो मेन सेक्रेटरी थे उनको भी अभी गिरफ्तारी के लिए हो सकता है CBI जल्दी ही पकड़ ले, क्योंकि ऐसी बहुत सी हमने न्यूज़ देखी थी। बाकी जो भी होगा वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हम डिस्कस करते रहेंगे। आगे आप देख सकते हैं, JEE IIT पेपर लीक मामला सामने आने के बाद विजिलेंस ने अन्य पेपरों की जाँच आगे बढ़ा दी। तो विजिलेंस यहाँ पर पुराने पेपरों की भी जाँच कर रही है जो पिछले 3 साल में जिनकी भर्तियाँ हुई हैं। हालांकि उसमें से बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जो अभी जॉब लेके ज्वाइनिंग भी कर चुके होंगे, बट यहाँ पे विजिलेंस ने, आपको तो विजिलेंस जब भी कभी पीछे पड़ते तो पूरा एक एक चीज को छानबीन को अच्छे से करती है। ठीक है, आयोग में हुई गड़बड़ियों की पूरी रिपोर्ट विजिलेंस प्रदेश सरकार को भेज देगी। आगे JEE IIT के साथ कला अध्यापक और जूनियर ऑडिटर की भर्ती परीक्षा के पेपर भी लीक हुए हैं। तो यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है, अभी रिसेंटली हमने देखा था कि ड्रॉइंग मास्टर का पेपर भी लीक हुआ है। ठीक है, जैसे कला अध्यापक जैसे पेपर भी लीक हो रहे हैं, जूनियर ऑडिटर के पेपर लीक हुए हैं। ठीक है, इवन हमने बहुत से एग्जामिनेशन यार ऐसे भी देखे हैं जैसे कि JEE अकाउंट्स वगैरह। ठीक है, वहाँ पर हमने देखा है कि यार इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, 100 में से 82-83 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे भी बहुत से कैंडिडेट्स ने यहां पे जताया था कि सर इतना हार्ड पेपर है तो इतने मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत सी अभी सारी सुर्खियां जो भी रहेंगी, सारी बातें निकल के सामने तो जरूर आएंगी। जांच के दौरान विजिलेंस जैसे जैसे आगे कड़ियां जोड़ती जा रही है, अन्य परीक्षाओं में भी गड़बड़ियों के खुलासे होते जा रहे हैं। तो जो भी इन गड़बड़ियों में शामिल है तो उनको जरूर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी जो कि मेहनती अनुभवी विद्यार्थी, मैं बहुत से ऐसे अनुभवी विद्यार्थियों को जानता हूँ जो हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, सच में बहुत मेहनत किया, दे रियली वांट द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, बट फिर भी यार उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके लिए हमेशा मेरे मन में एक ये रहता है कि यार ये बच्चा तो बहुत पढ़ता है फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्या यहाँ पे कहीं कहाँ पे कमी रह रही है, क्या ऐसा हो रहा है। तो डेफिनेटली जो भी न्याय है ऐसे विद्यार्थियों को मेरे हिसाब से यार जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, विजिलेंस का मानना है कि यह गोरख धंधा एक नहीं बल्कि कई सालों से चल रहा था। ठीक है, तो ये तो धंधा था, ये तो आप कह सकते हो कि पैसा दो और तमाशा देखो वाली बात हो रही थी। ठीक है, अब तक JEE IIT पेपर लीक मामले में 8 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश हो चुका है। ठीक है, तो इसमें से जो मेन थी वो थी, आप सभी को मालूम है, आज़ाद के कारण ही ये सब कुछ हुआ, आज़ाद मैम के साथ। तो उमा आज़ाद और उसके दोनों बेटे नितिन और निखिल, इसके अलावा दलाल जो संजय कुमार था उसका भाई शशिपाल, इसके अलावा तनु, अजय शर्मा, ये सब विद्यार्थी हैं जो बेसिकली अभी शक के दायरे में तो हैं ही हैं। ठीक है, इनके खिलाफ चालान भी जारी हो चुका है। भर्ती परीक्षाओं के संचालन का जिम्मा आयोग के सचिव पर रहता था, पूर्व सचिव भी शक के दायरे में। ठीक है, तो अभी रिसेंट जो सचिव थे वो तो दायरे में हैं ही हैं, इसके अलावा जो पुराने सचिव भी रह चुके हैं वो भी शक के दायरे में हैं। ठीक है, JEE IIT पेपर लीक के बाद हो रहे खुलासे, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 25 दिसंबर 2022 को पोस्ट कोड JEE IIT 965 की भर्ती परीक्षा के बाद ही ये सारे मामले सामने आ रहे हैं। ठीक है, जब तक JEE IIT 965 का पोस्ट कोड का मामला जैसे ही क्लियर हुआ था, जैसे ही पता चला था कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ था, उसके बाद से ये आपको पता सारी कार्यवाही स्टार्ट हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट अपडेट में इतना ही था, जो भी और अपडेट आएगी डेफिनेटली वी विल शेयर विद यू। सो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।